नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हैपिक और फ्रेश वीडियो में। तो अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं हुंडई की एक्स टर, एक माइक्रो एसयूवी जो आपको अब सीएनजी में भी मिल जाती है। सीएनजी में अभी आप इसका देख रहे हैं बेस मॉडल, एस मॉडल से सीएनजी में आना शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएनजी में आपको ये कितना माइलेज देगी, किस रेट पे आपको मिलने वाली है, एंड अगर आप इसको परचेस करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्यों आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये रहने वाला है। भाई आजकल देखते हैं पेट्रोल के प्राइसेस कितने हाई हो गए हैं, माइलेज भी नहीं मिलता है, मगर आपको जब ये सीएनजी में आप जब इसको परचेस कर लेंगे तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, एंड आप ये भी देखेंगे कि आपको कितना बढ़िया कंफर्ट भी देती है, एंड आपको एक प्रॉपर एक माइक्रो एसयूवी वाला फील भी ये प्रोवाइड करने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एच शेप में आपको यहाँ पे डीआरएस मिल जाते हैं। मैं इनको जरा ऑन करके देखता हूँ, अगर बैटरी डाउन ना हुई हो तो इनको मैं भी आपको इल्यूमिनेट करके दिखाता हूँ भाई कितना शानदार लुक ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये होगी हमारी DRLs ऑन। हाँ, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं भाई कितना ही बेहतरीन आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन मिलने वाला है DRLs का। एस शेप में आपको यहाँ पे DRLs प्रोवाइड हो जाती है। नीचे आपको यहाँ पे हैलोजन बेस्ड ही बल्ब मिल जाता है हेडलाइट के लिए, इसमें आपको पार्किंग लाइट भी प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी ग्रिल आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में, ग्लॉसी ब्लैक के यूज़ में देखने को मिल जाएगी। बाकी नीचे साइड में यहाँ पे आपको सिल्वर के स्किड प्लेट एंड ड्रॉ ब्लैक का यूज़ नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट के लिए यहाँ पे करा गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, हुंडई का लोगो एंड ड्रॉप ब्लैक का यूज़ करा गया, क्योंकि भाई ये एक एस मॉडल है, सेकंड बेस आप इसको कह सकते हैं। सीएनजी में बेस है, बाकी ओवरऑल सेकंड बेस है क्योंकि ईएक्स से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। देखे जाए तो कहीं ना कहीं रॉ एलिमेंट्स इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी कलर आप देख सकते हैं भाई कितना है बेहतरीन लग रहा है, खाकी कलर या फिर इसको ऑलिव ग्रीन कलर इन नामों से जाना जाता है। इस कलर के ऊपर केस भी हो चुका है, देखते हैं आगे कोर्ट क्या फैसला करती है, ये कलर कार्स पे आगे देखने को मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल जब तक मिल रहा है तो आप भाई इस कलर को परचेस कर सकते हैं। साइड क्लैडिंग आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की, जो कि पूरे कार में रन होते आपको दिख जाएगी। टायर सेक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 165x70 आर 14 इंचेस का यहाँ पे स्टील मिल जाएगा, जिसमें आपको व्हील कवर्स आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ओवरव्यू में आपको मिल जाएगा बॉडी कलर जो कि हाथ से आपको फोल्ड एंड फोल्ड करना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर्स में ही, ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं आती है, शाक में एंटीना भी नहीं आता, सिंपल से डंडी वाला एंटीना आपको प्रोवाइड किया जाता है। ब्लैकआउट एलिमेंट आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं भाई कितना बेहतरीन लगता है। बैक प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आपको सीएनजी की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, जो टेल लाइट्स हैं ये आपको एलईडी में मिलती हैं, एच शेप में ही प्रोवाइड करी गई हैं, एच शेप इसका सेगमेंट बनाया गया है। बाकी सेंटर में देखते हैं यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा, एक्स्ट्रा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। कौन सा मॉडल इसकी बैचिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेगी है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, मगर कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा जाता है। सीएनजी की बैजिंग ना ही इसमें कोई वाइपर आता है, वॉशर डिफॉगर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा जाता है। हाई मोटर स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। स्पेशल थैंक्स टू एस एस हुंडई जिन्होंने हमें ये कार प्रोवाइड कराई। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप तेलीबाग शोरूम आके विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। 6 एयरबैग्स की बैचिंग देखने को मिल रही है, वो क्यों, क्योंकि बेस मॉडल में भी आपको इसमें 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, आपको इसमें अच्छा खासा सेफ्टी भी मिल जाने वाली है। ओपन करते हैं इसका बूट तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी दुबली पतली सी पार्सल ट्रे मिल जाएगी, सीएनजी की यहाँ पे आपको किट पूरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ही केवल स्टोरेज स्पेस बचती है, जिसमें आप अपने 3 से 4 स्कूल बैग्स ही रख सकते हैं, बाकी ऊपर पार्सल ट्रे पे आप अपना सामान रख सकते हैं। तो सीएनजी टैंक लगने के बाद कैपेसिटी तो भाई कम हो जाती है बूट की, ये तो मानना ही पड़ेगा सबको। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके सेकंड रो की, तो यहाँ पे तो कुछ देखने लायक रहेगा कि स्पेस कितनी मिलती है, क्योंकि भाई माइक्रो एसयूवी है तो स्पेस में कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत होती है। सेकंड डोर के लुक को आप चेकआउट कर सकते हैं, कितना ही बड़ा मतलब बिग बिग इन साइज आपको प्रोवाइड करा गया है, काफी मैसिव स्पेस आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर स्पेस, स्पेस को यहाँ पे अंदर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको फुली फैब्रिक यूज कराया गया है। सेकंड रो में बेंच फोल्डिंग सीट मिल जाएंगे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लैम्प मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल्स आपके फोल्डेबल्स रहने वाले हैं, सीट बेल्ट आपको मिल जाती है 3 पैसेंजर्स के लिए, 1, 2 एंड 3। सेंटर में आपको यहाँ पे एसी वेंट्स भी मिल जाने वाला है, नीचे कोई भी आपको यहाँ पे सॉकेट नहीं मिलता है, केवल 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। फास्ट चार्जिंग के लिए कोई भी सॉकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा गया है। अब आते हैं इसके कुछ फ्रंट रो में, तो फ्रंट रो में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इंटीरियर को, जो कि सेम रहता है आपका ग्रैंड आइटन नियोस से ही। पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑल 4 डोर लॉक अनलॉक, ओवरव्यू को एडजस्ट करने के लिए बटन्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हाइट एडजस्टमेंट सीट आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, बॉटल होल्डर स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर मैं बात कर लूँ कुछ कार के इंटीरियर की, तो भाई इंटीरियर काफ़ी शानदार यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है।
स्टीयरिंग व्हील को अपने यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वॉइस कमांड के फंक्शन मिल जाएंगे, मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। राइट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है एमआईडी के कंट्रोल्स। ओपन करते हैं इसकी हम लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आप कुछ चेकआउट कर पाएंगे कि कैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाने वाला है। इसमें आपको मिल जाते हैं करंट, ट्रिप हो गया, ड्राइवर असिस्टेंट हो गया, क्लस्टर लाइट, डोर, कन्वीनियंस, जैसे फीचर्स आपको वेन्यू में मिलते हैं सेम वैसे ही फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। क्लस्टर पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसको थीम को चेंज कर सकते हैं, वाइपर्स के लाइट्स की डिस्प्ले को, वेलकम साउंड हो गया। बैक जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इल्यूमिनेशन, वन टच इंडिकेटर हो गया, हेडलाइट हो गया, लाइट्स ऑन ऑफ, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाने वाली हैं। डोर में जाके देखते हैं तो ऑटो लॉक अनलॉक को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। कन्वीनियंस में जाते हैं तो यहाँ पे सर्विस इंटरवल आपका हो गया, बाकी यूनिट रीसेट सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप थ्री लोगों देख सकते हैं, तो ये आपके सीट बेल्ट रिमाइंडर के हैं थ्री पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपको सीएनजी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लिंक हो रही फ्यूल, मतलब यहाँ पे आपका सीएनजी फ्यूल हो गया एंड यहाँ पे आपका पेट्रोल की फ्यूलिंग की इंडिकेशन मिल जाने वाली है। सेंटर में देखते हो तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, फोन प्रोजेक्शन में जाके आप यहां से एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर कार्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, क्वाइट मोड, मैनुअल सेटिंग्स, काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहां पे मिल जाने वाले हैं। नीचे यहां पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, मैनुअल एसी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। उसके नीचे यहां पे आएंगे तो आपको यहां पे फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी सॉकेट, थोड़ी स्टोरेज स्पेस, सेंटर में स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, कोई भी हैंडल्स आपको यहां पे नहीं मिलने वाला है। ऑल ब्लैक इंटीरियर एंड प्लस यहाँ पे आपको सेम कलर का फिनिश प्रोवाइड कर देगा जैसे बॉडी कलर्स में आता है। ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा, कोई भी कूलिंग फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। IRVM आपको मैनुअल ही यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे माइक मिल जाएगा, वैनिटी मिरर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको टिकट होल्डर स्पेस मिल जाने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई कार में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेगी इस प्राइस ब्रैकेट ने। और मैं चाहूँगा ये भी बताना कि जो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, जैसा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सेम आपको ऐसा ऑरा में देखने को मिलेगा, सेम ऐसा आपको वेन्यू में भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं जो आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिल रही हैं एंड आपको एक मैक्रो एसयूवी में मिल रही हैं। जैसे मैं कार में भी बैठा हूँ तो मुझे यहाँ से बोनेट सामने साफ साफ विजिबल है, तो मैं कहूँगा कि मुझे एसयूवी वाली फील आ भी रही है एंड इसमें मुझे एक हैचबैक वाली फील भी आ रही है, क्योंकि भाई ये भाई उतनी कार चौड़ी नहीं है, ऊँची है, हाइट है, सब कुछ है, मगर उतना चौड़ी नहीं है, तो मुझे कम मतलब हैचबैक वाली फीलिंग भी इसमें आ रही है। बाकी सीट की बात करें तो सीट की कुशनिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, हैंडल्स भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कराए गए हैं साइड्स में, जिससे आपको काफ़ी आरामदायक जर्नी यहाँ पे मिलने वाली है। अब चलते हैं कार के बाहर। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, CNG से पेट्रोल कन्वर्ट करने के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है, हेडलाइट इसमें मिल जाता है। ओपन करते हैं इसका हम लोग बोनेट, देखते हैं कि वहाँ पे हमें कैसा इंजन फिगर मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो इसमें भी मेरे ख्याल से आपको वही 1200cc का इंजन प्रोवाइड हो जाने वाला है। जी हाँ, इसमें भी आपको 1.2K सीरीज का इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 BHP की पावर पेट्रोल में एंड जब आप CNG में जाएंगे तो CNG में आपको उसमें मिलेगी 63 BHP की पावर। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। फ्यूल इंजेक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं CNG के, CNG की मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे लगी हुई है, एक्साइड की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे कोई भी इंजन गार्ड प्रोवाइड नहीं करा गया है, ऊपर में तो सेफ्टी अच्छी खासी प्रोवाइड कर दी गई है, मगर इसकी अभी कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसमें बता नहीं सकते ग्लोबल एनकैप में इसमें वो ग्लोबल एनकैप में इसको कितने रेट्स मिलने वाले हैं, मतलब कितने स्टार मिलने वाले हैं। बाकी कार आप देख सकते हैं भाई कितनी बेहतरीन लगती है अपने लुक्स में, माइक्रो एसयूवी के हिसाब से भाई कार काफ़ी सही है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन रहता है पंच से और सिट्रॉन C3 से एंड इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो भी सेम ही रहते हैं, मगर उन सब में आपको सिट्रॉन में आपको CNG नहीं मिलता है, पंच में आपको CNG मिलता है ट्विन सिलेंडर वाला भी, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है इसके सेल्स पे। मगर जैसे आप जानते हैं हुंडई अपने फीचर्स के लिए जाना जाता है, रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, तो इसकी जैसे कार की सेल्स अच्छे खासे नंबर्स में रहती है। हुंडई में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जब इसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो उसमें आपको एक से एक भर भर के फीचर मिल जाएंगे, आपको इसमें डैश कैम भी मिल जाएगा, ऊपर में सनरूफ मिल जाएगी, काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं। अभी अगर बात कर लीजिए इस कार के प्राइसिंग की, तो कार की प्राइसिंग रहती है 970,000 के ऑन रोड प्राइस पे लखनऊ में आपको मिल जाने वाली है। शोरूम विजिट करके आप प्राइस को कंफर्म कर सकते हैं। हुंडई एक्स्टर को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कुछ रीजन्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। तो अच्छाइयाँ क्या हैं चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको इसमें एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाने वाला है। सेकेंड रीज़न, आपको इसमें DRLs अच्छे खासे मिल जाने वाले हैं। थर्ड रीज़न हो जाएगा कि आपको इसमें बूट स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप इसका नॉर्मल पेट्रोल वर्जन लेते हैं, CNG वर्जन लेते हैं, तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, मगर बूट स्पेस उतनी नहीं मिलने वाली है। अगर आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स जानते हैं तो वो ये है कि भाई साहब इसमें आप जब
बैठेंगे तो आप 5 पर्सन को अच्छे से कैरी कर सकते हैं, मगर थोड़ी बहुत आपको कंजेशन फील होने वाला है। उसके बाद जाएंगे तो आपके जो इसमें व्हील्स हैं 14 इंचेस के प्रोवाइड करेंगे, इतनी बड़ी कार के हिसाब से इतने छोटे व्हील्स भाई मुझे तो समझ में नहीं आते, कम से कम 15 इंचेस के इनको प्रोवाइड करने ही चाहिए थे। प्लस आप एक माइक्रो एसयूवी दे रहे तो मैं कहूँगा टॉप मॉडल में 16 इंचेस के इसमें होने चाहिए थे, जो कि नहीं दिया कंपनी ने, जो भी उनको सही लगा भाई उन्होंने वो प्रोवाइड करा अपने प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए। सो ये थे कुछ रीजंस जो मैंने आपको बताए। अगर आप कार परचेज करना चाहते हैं तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है कार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारा कंटेंट देख पाएं। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।